मसला चल रहा है अकरम भाई और आपका। हाँ जी, तो मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप मेरे साथ बैठा था, मैंने कॉल की थी ना। आपने कॉल की थी, आपसे पहले की थी मैंने कॉल। पहले कई बार मैं किसी की सैर नहीं ले रहा, फरूख भाई की भी नहीं ले रहा, अकरम भाई की नहीं ले रहा। तो फिर अकरम भाई बैठा था, कॉल चल रही थी, अकरम भाई ने कहा है कि नहीं हमने खुद नहीं उठाई, ये हम इनकी अम्मी को ले आए हैं और उनका ऑपरेशन करवाया है, उनको बुलाया है और हमारी जो है ना एक किस्म की इस टाइप की बात की है कि हमारा जो है ना एहसान नहीं मानते। और भाई हम एहसान तो मानते हैं, एहसान नहीं जताना चाहिए, ताकि नेकी कर दरिया में डाल, ताकि नेकी करो, किसी को बताओ नहीं कि मैंने इस बंदे का जो है ना भला किया, आपने 10 रुपए दिए हैं, ये किसी को ना बताओ कि मैंने उस फ़कीर को ना मैंने भी 10 रुपए दिए हैं। अल्लाह पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत से ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, बिल्कुल फूलों की तरह चमकते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बाकी घर वाले भी माशाल्लाह ठीक हैं। जो बहन भाई बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामिल अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनके रिस्क में बहुत सारी बरकतें अता फरमाए, और जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, आमीन सुमा आमीन। इस नेक दुआ के साथ हमारा व्लॉग जो है वो हो चुका है स्टार्ट। मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी ज़रूर करना है और अच्छे अच्छे कॉमेंट भी ज़रूर करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। माशाल्लाह जी अभी जो है असर का टाइम हो चुका है, क्योंकि मैं सुबह से काम गया था, आज सारा दिन नहीं आया और अभी जो है मैं काम से आया हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह मुझे पता नहीं है कि अब्बू ने क्या लेके दिया है, और अब्बू जो है अभी चक्की पे चले गए हैं और कुछ लेके दिया है या नहीं लेके दिया, क्योंकि पैसे तो नहीं थे। जब ताज़ी जो है ना रोज़ी कार के आते हैं तो सब्ज़ी मैं ले आता था, जब दिहाड़ी मिलती थी तो सब्ज़ी शाम को ले आता था। तो आज मैं गया था और अभी अभी आया हूँ, देखते हैं कि अब्बू ले आए हैं या नहीं ले आए। और अभी अभी जो है माशाल्लाह बेगम साहिबा ने माशाल्लाह चारा भी डाल दिया है, ये देखें गाय वगैरह और उधर बकरियां भी खा रही हैं। अल्लाह जी नेजा नहा के सोने कपड़े पा के दे हैं, ये सोने हैं, वाह भाई वाह। सोनो कहाँ से आए हैं सोने कपड़े, कौन ले आया है? उधर से कमरे से आए हैं, वाह भाई वाह। ये शिलवार भी आए, अभी जो है किचन में पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि रेसिपी में जो है क्या बना हुआ है। और लगता है आज इमरान भाई जो है ना नंबर वन पे आ गया, नंबर वन यानी उनकी रेसिपी ऐसे लगता है, क्योंकि आग भी नीचे नहीं जल रही, वो लगता है पक गई है उनकी रेसिपी जो है ना तैयार हो गई, और हमारी रेसिपी देखते हैं अभी पक गई है या अभी तक नहीं पकी। और ये देखें जी इमरान भाई की रेसिपी, आग भी नहीं जल रही अभी, और आपको दिखाते हैं इमरान भाई। माशाल्लाह जी भिंडी बनाई हुई है और भिंडी जो है ना पक गई है, और हमारी ये देखें चूल्हा भी जल गया है, और ये देखें जी हम भी भिंडी बना रहे हैं आज, अबू लगता है भिंडी ले आए थे, और ये हरी मिर्चें भी कट गई हैं और भिंडी भी कट गई है माशाल्लाह। और अभी जो है ना लगता है बेगम साहिबा बनाना स्टार्ट कर रही हैं, ये देखें घी भी ऐड कर रही हैं, घी भी ऐड कर दिया है, हल्का हल्का घी जो है ना डालते हैं, क्योंकि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा गरीब बंदे की फुर्सत नहीं है कोई अच्छी चीज़ लेके बना सके। तो ये सब्ज़ियाँ जो हैं ये भी 100 से ऊपर ऊपर हैं, नीचे कोई नहीं है, और क्या करे गरीब बंदा, जो भी दिहाड़ी बनती है जो कमा के दिन में आते हैं वो बस सब्ज़ी आती है, फिर भी दुकान वाले का जो है ना कुछ पैसे बच जाते हैं, उधार 100-150 कर्जे चले आ जाता है, उधार रख देते हैं। और बेगम साहिबा से पूछते हैं कि आज लेट क्यों हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत से ठीक है? हाँ जी। आज लेट क्यों बना रही हो सब्जी, ये बताओ मुझे। आज क्योंकि कपड़े बहुत पड़े थे, वो भी धुलाई की है और इसी वजह से ना लेट हो गई हूँ। अच्छा, कपड़े धुलाई किए हैं? हाँ। ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये भी सब घर वालों के कपड़े होते हैं, वो भी फिर हाथ पे धोने पड़ते हैं। अगर बंदे की मशीन हो वॉशिंग मशीन तो उसमें डाल दे और भी काम करता रहे ना। हाँ, और क्योंकि 2 दिन रिपाई की है ना तो कपड़े की धुलाई हाँ नहीं की, तो बहुत से पड़े थे और उसको धोने में टाइम लगता है। सही बात है, 2 दिन आपने लिपाई की थी तो बहुत सारे कपड़े जो है ना, वैसे भी गर्मियाँ हैं, एक दिन में तो एक सूट उतर जाता है, मेरा तो रोज़ का सूट है, क्योंकि काम पे जाता हूँ और वो काम वाले हो जाते हैं पुराने, फिर वो उतार देता हूँ, फिर नहा के फिर जो है ना रोज़ एक सूट, 3 सूट है मेरे, एक काम पे पहन के जाता हूँ फिर वो ख़राब हो जाता है वो उतार देता हूँ। बेगम साहिबा रोज़ एक सूट धोती है, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं कि एक साथ धो दे और फिर एक एक करके पहनूँ,
तीन सूट है, एक काम पे ले जाता हूँ वो पहन के काम से जब वापसी आता हूँ वो उतार देता हूँ, और दूसरा पहनता हूँ फिर बेगम साहिबा ने उनको रोज़ धोती है। तो चलो अभी भी टाइम है, इतना शाम नहीं हुई तो जल्दी जल्दी बना लें, ठीक है। माशाल्लाह जी, कशफ और आदिल क्या कर रहे हो छोना पोत्र? फीडर बना के दे रहे हो कशफ को? कशफ क्या बना रहे हो छोना पोत्र? फीडर बने दे पे वे कशफ नाच सुने दे वे हसबी रब्बी जल्लल्ला तो आकू सुनावा डहावें दे हैं कशफ मेरा छोना पोत्र हैं। ये इसको रख दो, वो फीडर बन गया है। दिखाते हैं कि हमारी रेसिपी जो है अब कहाँ तक पहुँची है। ये देखें जी, अभी जो है भिंडियाँ माशाल्लाह ऐड कर दी हैं बेगम साहिबा ने, तो अभी जो है लगता है कि अभी पकने वाली हैं, क्योंकि बहुत जल्द जो है ना बन जाएंगी। और आपको दिखाते हैं, ये देखें मौसम, सूरज जो है बिल्कुल गरूब हो चुका है, बिल्कुल गरूब हो चुका है। ये देखें जी मौसम का हाल। तो प्यारे यार माशाल्लाह जी, अभी जो है माशाल्लाह रेसिपी जो है तैयार होने वाली हैं, बस थोड़ी सी देर है। और आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अकरम भाई के जो है ना ख़िलाफ़ वीडियो लगाई थी कल, और क्योंकि इसी वजह से मैंने लगाई थी, वो मेरी कॉल नहीं उठाते थे। अगर वो मेरी कॉल उठा लेते, मेरी भी सुनते और अपनी भी सुनाते, तो ये नौबत ना आती, मुझे वीडियो ना नहीं लगानी पड़ती। और उन्होंने जो है ना कॉल भी नहीं उठाई, और उनका हक बनता था कि चलो वो नहीं उठाते थे, अगर मैंने वीडियो लगाई थी उनको वो कॉल नहीं उठाते थे तो मैं तो उनकी कॉल उठाता था ना। तो जैसे मैंने एक वीडियो लगाई है तो उनका हक बनता था कि मुझे जो है ना कॉल कर लें और पूछ लें ताकि क्या है और क्या नहीं है। मुझ पे कॉल पे तो बात कर सकते थे ना, ऐसे वीडियो लगाने से तो कुछ नहीं होता ना। और आपस की बात है, ये तो नहीं है कि हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी है, बस यही हमारी छोटी सी नाराज़गी थी कि कॉल नहीं उठाते थे। अम्मी का ऑपरेशन हुआ था, हमें टेंशन थी कि पूछ तो लें उनकी तबीयत कैसी है, और फिर नाना जी ने बताया था कि उनकी तबीयत जो है ना फिर ख़राब हो गई, तो हमें बड़ी टेंशन हुई, तो फिर कॉल नहीं उठाते थे। तो इसी वजह से जो है ना मुझे गुस्सा आया, तो मैंने उनके खिलाफ़ वीडियो लगाई। और वो उसने ये नहीं कहा चलो इसने चलो वीडियो लगाई है मैं इनसे बात कर लूँ कॉल उठा लूँ, फिर भी मेरी कॉल नहीं उठाई, तो मेरे ख़िलाफ़ जो है ना उन्होंने वीडियो लगा दिया है। अकरम खान व्लॉग ने मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने वीडियो लगाई है, उन्होंने ये कहा है कि हम इनकी अम्मी को ले आए हैं और उनका ऑपरेशन करवाया है, उनको बुलाया है, और वो भी हमारी जो है ना एक किस्म की इस टाइप की बात की है कि हमारा जो है ना एहसान नहीं मानते। और भाई हम एहसान तो मानते हैं आपका, आप ले गए हो, वैसे इंसानियत के हाँ देखा जाए तो ये एहसान नहीं होता। और क्योंकि इस पे जो है ना सिस्टर की अम्मी है, जैसे हमारी माँ है तो नादिया सिस्टर की भी माँ है, और अकरम भाई भी इतने हमारे गहरे रिश्तेदार भी हैं, ये नहीं है कि हमारे बहनोई हैं कि हमारे यही रिश्ता है, और भी रिश्ता है। मेरा सक्के मुलेर है, मेरी अकरम भाई की जो अम्मी है वो मेरी सक्की फूफो है, मेरी मेरे अब्बू की सक्की बहन है, हमारा इससे भी गहरा रिश्ता वो है। और उन्होंने जो है ना ये नहीं सोचा कि मैं फ़ोन करके जो है ना ये बात हैंडल कर लूँ, या कॉल मैंने की है कि चलो वीडियो तो लग गई तो कॉल इनकी उठा लूँ। और ये जो होता है ना कि कह रहे हैं कि हम ले आए हैं ऑपरेशन कराया है, तो इसी वजह से जो है ना आप खुद सोचें कि ये बात, जो इंसान एक किसी का भला करता है वैसे तो अल्लाह पाक की तरफ से होता है, अल्लाह पाक जो है ना सब कुछ करने वाला, इंसान की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत भी नहीं है कि कोई काम कर ले, अल्लाह पाक जो है ना तौफीक देता है हर किसी को, अल्लाह पाक जो है ना सब काम करता है, इंसान की तो कोई औकात भी नहीं है। और ऐसे वो बात उनको नहीं करनी चाहिए थी कि हम उधर ले आए हैं, ऑपरेशन भी कराया है, और इन्होंने जो है ना फिर ये नहीं सोचा कि उधर ले गए ऑपरेशन कराया इनकी अम्मी का, और फिर फ़ोन भी नहीं उठाया, एक दिन फ़ोन नहीं किया मैंने काम की वजह से। जैसे आज लेट आया हूँ ना अभी, तो इसी वजह से मैंने ऑपरेशन के बावजूद एक दिन काम नहीं किया। और इसका चलो मैंने एक दिन फ़ोन नहीं किया, आपने कॉल उठाना बंद कर दिया, इमरान भाई ने दो दिन बाद कॉल की थी, उनकी कॉल जो है उन्होंने उठा ली है, वो तो उनका बेटा था, उनसे नहीं नाराज़गी थी और मुझसे ज़्यादा नाराज़गी हो गई थी। और उसके बाद जो है ना ऐसी जो नेकियाँ होती है ना अल्लाह की तरफ से, इंसान को अल्लाह पाक जो है ना ऐसे
किसी किसी को मौका देता है ऐसा, और ये ऐसी होती है कि एहसान नहीं जताना चाहिए, ताकि नेकी कर दरिया में डाल, ताकि नेकी करो, किसी को बताओ नहीं कि मैंने इस बंदे का जो है ना भला किया है, हाँ मैंने ये इसका ऑपरेशन किया है, या किसी फ़कीर को आपने 10 रुपए दिए हैं, ये किसी को ना बताओ कि मैंने उस फ़कीर को ना मैंने भी 10 रुपए दिए हैं, अल्लाह पाक मुझे भी सवाब मिल देगा, ऐसे सवाब नहीं मिलता भाई, क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करो और उस एहसान भी करो या जो भी करो, जताओ मत, ये भी लिखा हुआ है, अल्लाह पाक ने कहा है किसी पे एहसान करो, जताओ मत, जताओ यानी किसी को बताओ ना कि दूसरे बंदे को कहे मैंने इसके घर आटा पहुंचाया है, मैंने इसके घर दाने पहुंचाए हैं, ये बहुत गलत बात है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है आज उनकी बातें जो व्लॉग में कही हैं ना, अक्रम खान व्लॉग में, मेरी बातें भी सुन लो और उनके चैनल को भी सर्च कर लेना, अक्रम खान व्लॉग, उनकी बातें भी देख लेना, और अल्लाह खैर करे, आपने किया है तो हम आपका एहसान मानते हैं भाई, आपने बहुत अच्छा किया है और बाकी अल्लाह की तरफ हुआ है, और हम इधर भी ऑपरेशन करा लेते, लेकिन नादिया सिस्टर ने जो है ना 3 माह पहले, ये आपकी बात नहीं है, 3 माह पहले मैं अम्मी का ऑपरेशन करवाने वाला था इधर अपने यहाँ, तो नादिया सिस्टर ने कहा है कि आपकी वाइफ जो है ना अकेली हो जाएगी, और वो अपना जानवर भी रखे हुए हैं, बच्चे भी हैं 3, वो फिर बच्चों को संभालेगी या जानवर हैं घास वगैरह उनकी काटेगी या अम्मी की जो है ना फिर कौन करेगा, तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि हम तो घर में होता है हमारा, और कोई जानवर वगैरह तो नहीं है कि हमारा काम है कि चारा वगैरह काटने जाएं, तो इसी वजह से उधर अम्मी को भेज दो मेरे पास, मैं उनकी खिदमत करूंगी और ऑपरेशन वगैरह भी कराएंगे, तो अल्लाह खैर करे, ये नहीं है कि हम जो है ना किसी के कर्ज़दार हैं, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह पाक ने जो है ना सेध किया है, अम्मी का ऑपरेशन हो गया, किसी का कर्ज़ा देना है तो वो मैं ये नहीं है कि उनको कर्ज़ा नहीं दूंगा, उनको लाजमी जो है ना मैं दूंगा, चुकाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक मुझे फुर्सत दे, ताकि मेरी ज़िंदगी जो है ना ख़त्म होने से पहले पहले मैं अपने जो है ना इधर के जो कर्ज़ है जो जितने भी मेरे ऊपर हैं वो चुका दूँ, ताकि बाद में कोई मेरे चार पाई ना पकड़े, तो ये मुझे और कोई बात पे अफसोस नहीं हुआ, इस बात पे अफसोस हुआ है कि ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे हम पे जो है ना कोई एहसान किया है, अल्लाह पाक करता है और एहसान चलो किया है हम मानते हैं, यार आपका ये एहसान है आप ले गए हो उधर खिदमत कर रहे हो, लेकिन आपका हक नहीं बनता था, आपकी भी मामी थी सकी अम्मी की तरह थी, और उसके बाद नादिया सिस्टर की तो अम्मी थी, उनका भी हक बनता था, और हम भी करा लेते ऑपरेशन, ये नहीं है कि हम नहीं करा लेते, लेकिन ख़ुद इन्होंने 3 माह पहले से कहा था कि हम अम्मी को उधर ले जाएंगे और जो है ना उधर अच्छा खिलाएंगे और कुछ दिन उधर रहेगी ताकि अम्मी की जो है ना कुछ सेहत बन जाएगी, फिर ऑपरेशन कराएंगे, और हम अल्लाह पाक ने जितनी दिया अल्लाह पाक उनको दुआ करते हैं कि उनको अकरम भाई को इससे भी ज़्यादा तरक्की दे, हम दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि गिला किसी का नहीं करते, और अल्लाह पाक ने हमें भी जितनी दी है शुक्र है अल्लाह का कि 1-2 टाइम का खाना जो है नसीब हो जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है, ठीक है, वो तबीयत या ठीक है, माशाल्लाह। तो इमरान भाई आज जो है ना मैंने आपसे एक बात करनी है, और आपको पता तो है जैसा कि आजकल हमारा जो मसला चल रहा है अकरम भाई और आपका, हाँ जी, तो मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप मेरी साइड लो, ठीक है, जो हकीकत है वो बता दो, कि यही एक प्रूफ मुझे दे दो, और हकीकत बताने की ज़रूरत नहीं है, जब आपने कॉल की थी अकरम भाई को, आपकी कॉल उठाई थी अकरम भाई ने ना, हाँ उठाई थी, तो उससे आपकी कॉल से पहले जब मैं उधर आपके साथ बैठा था मैंने कॉल की थी ना, हाँ आपने कॉल की थी, आपसे पहले की थी मैंने कॉल, पहले कॉल की थी, हाँ जी, तो कई बार मैं किसी की सैर नहीं ले रहा, फरूक भाई की भी नहीं ले रहा, अकरम भाई की नहीं ले रहा, जैसे फरूक मेरा भाई है वैसे मैं अकरम जो है ना वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसको बड़ा भाई मानता हूँ, हाँ जी, मैं किसी की सैर नहीं लेता, ना अकरम भाई की सैर लेता हूँ ना फरूक भाई की, जो बात सीधी सीधी है वो मैं आप साहब बहन भाई को बता देता हूँ, क्योंकि फरूक भाई जो है ना एक ही दिन सुबह का टाइम था, वार का पता नहीं है कौन सा वार था, हफ्ता था या इतवार था, कोई भी वार था, लेकिन फरूक भाई कॉल किए, मैं भी फरूक भाई के साथ बैठा था, तो कॉल बैल जाती थी लेकिन कॉल यानी कि उठाता कोई नहीं, अटेंड नहीं करते थे, अटेंड नहीं करते थे, हाँ, तो फिर जो है ना मैंने पूछा कि कॉल नहीं उठाई अकरम भाई ने, फरूक भाई ने कहा नहीं,
मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं चला गया शॉप पे, वहाँ बैठा रहा तो फिर मैं ना दोपहर के वक्त कम एक डेढ़ का टाइम था, मैंने कॉल किया अकरम भाई को, तो अकरम भाई ने मेरी कॉल जो ना उठा लिया। तो फिर आप बस मुख्तसर ये कह दें कि जब आपकी कॉल उठाई है तो आपने पूछा है कि फरूक भाई की कॉल क्यों नहीं उठाई, तो सीधा सीधा बताना अकरम भाई और नादिया सिस्टर ने क्या कहा। तो नादिया सिस्टर ने कहा है कि कॉल जो है ना बेल बजी है लेकिन हमें पता नहीं चला, जब हम गए ना तो वो बेल बंद हो गई थी। हाँ जी। तो फिर अकरम भाई बैठा था, कॉल चल रही थी, अकरम भाई ने कहा है कि नहीं हमने खुद नहीं उठाई है। हाँ जी। कॉल मोबाइल भी मेरे पास था, अकरम भाई कहता है कि मैंने खुद नहीं उठाई है। हाँ जी। तो फिर नादिया सिस्टर को मैंने कहा कि आप झूठ बोल रही हो, और फिर हंसने लग गई। हाँ जी। तो ये तो मैंने कॉल नहीं की, इमरान भाई ने अलहदा की थी, मुझे पता नहीं है इमरान भाई ने कॉल की थी, मैंने पहले की थी, इमरान भाई ने बाद में की थी, मैंने पहले की थी। तो इमरान भाई से मैंने आके कहा था कि अकरम भाई को कॉल किया है, इन्होंने कहा मैंने अभी नहीं करनी कॉल, करनी है, तो मैंने कहा मेरी कॉल नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या है। तो इमरान भाई ने कॉल की, इनकी उठा ली, और बात जो है वो आपके सामने इमरान भाई जो कह रहे हैं। इन बात का तो मुझे पता नहीं था कि उन्होंने खुद जानबूझ के नहीं उठाई या क्या वजह। जो बात अकरम भाई ने की है वो मैंने बता दी है, बाकी और कह रहे हैं कि 10-15 दिन बाद कॉल, इमरान भाई फौरन इमरान भाई ने किया, फरूक भाई ने 10-15 दिन बाद किए। तो इमरान भाई से मैंने खुद मौके पे खड़े हैं, मैंने पहले की थी, इन्होंने कॉल नहीं उठाई, इमरान भाई ने मुझसे भी बाद में की थी। इतना बड़ा झूठ इंसान को नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह पाक उनको तौफीक दे सच बोलने की। और अभी जो है काफ़ी अंधेरा हो चुका है, और मैं ये नहीं कहता कि मेरी उनसे जो है ना मुझसे बड़े हैं, दोनों सिस्टर भी बड़ी है, अकरम भाई भी बड़ा है, और जो मुझसे गलती होगी मैं उनकी माजरा चाहता हूँ। और ये है कि सच इंसान बोले, क्योंकि किसी के ऊपर तो मन। और यहाँ पे हमारा व्लॉग जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।